हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग सेशन ऑफ एलएन डिजिटल लाइव क्लासेस। इस लाइव क्लास में आज हम स्टडी करने वाले हैं, वी विल हैव एन ओवरव्यू ऑफ द एटॉमिक मॉडल्स। आज तक हमने जितने भी एटॉमिक मॉडल्स पढ़े हैं, उन एटॉमिक मॉडल्स को अब हम वन गो में देखेंगे कि ये कैसे धीरे धीरे ये इवॉल्व हुआ है एटॉमिक मॉडल जो आज हमारे पास प्रेजेंट एटॉमिक मॉडल है। तो आज हम प्रेजेंट एटॉमिक सिनेरियो को अगर देखें, एटॉमिक स्ट्रक्चर को अगर समझने की कोशिश करें, तो आज के कॉन्सेप्ट के हिसाब से एटॉमिक स्ट्रक्चर हमें कुछ ऐसा दिखता है। एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ब्लू कलर के जो दिख रहे हैं आपके, वो इलेक्ट्रॉन है और बीच में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है। तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्सेप्ट अचानक से नहीं आया, इट हैज़ बीन इवॉल्व बाई नंबर ऑफ साइंटिस्ट, धीरे धीरे ये इवॉल्व हुए हैं। तो आज उसी चीज़ को हम समझने वाले हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, और बढ़ते समय हम सबसे पहले देखते हैं टाइमलाइन कि हमारे पास जो एटम का जो डेवलपमेंट हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, उसका एक टाइमलाइन है हमारे पास। वो टाइमलाइन हमें समझना है कि आप देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहला हमारे पास दिया हुआ है, द फर्स्ट वन वॉज गिवन बाई डेमोक्रेटस इन 4060 BC अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ एटम। फिर डाल्टन ने 1803 AD में उसको एक्सप्लेन किया कि एटम कैसा होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। कुछ कुछ चीज़ें उनकी सही थी, कुछ कुछ चीज़ें गलत थी, बाद में गलत प्रूव हुई। फिर थॉमसन आए, थॉमसन के बाद रदरफोर्ड आए, रदरफोर्ड के बाद आप देखिए यहाँ पर बोर आए, और बोर के बाद फिर हमारा मॉडर्न जो फिज़िक्स मॉडर्न एटॉमिक मॉडल आया है, वो आज के क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहा जाता है, वो हमारे पास डेवलप हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डेमोक्रेटस और डाल्टन के समय पर जो इनिशियल स्टेज ऑफ हमारा डेवलपमेंट था, उस समय पे इन्होंने क्या समझाया था कि एटम कैसा होता है। डेमोक्रेटस ने सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन डाल्टन ने इसको और कॉन्क्रीट फॉर्म में दिया। और डाल्टन के हिसाब से आप देखिए एटम कैसा दिख रहा है। एटम इज स्फेरिकल, इट इज़ सॉलिड स्फीयर मॉडल, जैसे हम बॉल खेलते हैं उस तरह का एटम हुआ था, और माना था कि इस तरह एटम होता है सॉलिड बॉल की तरह, और इट वॉज़ प्रपोज बाई जॉन डाल्टन। ठीक है, अभी हम एक ओवरव्यू देखते हैं, फिर थोड़ा डिटेल में चलेंगे। फिर इसके बाद आया हमारे पास डाल्टन के बाद हमारे पास आए थॉमसन। थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। आप देखिए प्लम पुडिंग मतलब एक हमारे पास जो केक होता है उसके अंदर प्लम्स डले हुए होते हैं। आप देखिए कैसा हमारे पास दिख रहा है, ये जो प्लम केक है, केक के अंदर प्लम है, तो केक जो है वो पूरा पॉजिटिव पार्ट है। किसने कहा था? थॉमसन ने। और जो पुडिंग्स हैं उन्होंने कहा था कि एक नेगेटिव पार्ट है। तो उन्होंने कहा था कि एटम कुछ इस तरह से होता है, इट इज़ परफेक्टली लाइक अ बॉल, जैसे कि डाल्टन ने बताया था। लेकिन उन्होंने इसमें एक चीज़ और ऐड कर दी कि बॉल के अंदर जो है वो बीच बीच में जो प्लम्स दिख रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह हैं, और उसका जो केक वाला पार्ट दिख रहा है आपका, वो जो है आपका पॉजिटिव पार्ट की तरह वर्क करता है। लेकिन इसमें भी कुछ खामियां थी, कुछ देर वेयर सम ड्रॉबैक्स। तो फिर रदरफोर्ड ने डेवलप किया, और रदरफोर्ड ने नया थ्योरी प्रेजेंट की। और रदरफोर्ड का जो एटम था, इट वाज लाइक अ प्लेनेटरी मॉडल। आप देखिए यहाँ पर प्लेनेटरी मॉडल में क्या होता है कि एटम, उन्होंने कहा कि एटम इज़ नॉट लाइक अ बॉल। उन्होंने कहा कि एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं लाइक अ सोलर सिस्टम। फिर इनके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, अभी ये सब डिटेल में देखेंगे, पहले हम टाइमलाइन समझते हैं एक एक करके क्या हुआ। इन्होंने पहले कहा, देखिए आप, सबसे पहले डाल्टन ने कहा कि इट्स लाइक अ बॉल, सॉलिड बॉल, पूरा एक बॉल की तरह होता है। थॉमसन ने क्या ऐड कर दिया, उसमें बॉल की तरह तो होता है लेकिन उसमें दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव चार्जेस आर एम्बेडेड, और पॉजिटिव चार्ज पूरा स्फीयर बनाता है। रदरफोर्ड ने क्या कहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, न्यूक्लियस सेंटर में होता है और उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। इट इज़ नॉट लाइक कि पूरा एटम पॉजिटिव हो और उसमें बीच बीच में नेगेटिव हो। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है जिसमें और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। लेकिन इनके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, इन्होंने कुछ एटम की स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाया। तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि बोर ने हमें क्या समझाने की कोशिश की। देखिए बोर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आए, उन्होंने ये कहा कि एटम जो होता है, रदरफोर्ड ने जैसा बताया वैसा होता है कि सेंटर में न्यूक्लियस, देखिए यहाँ पर देयर इज़ अ न्यूक्लियस एट द सेंटर, यहाँ पर सेंटर में न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के ऊपर चारों तरफ एक टू डायमेंशनल रिंग स्ट्रक्चर होता है। रिंग के फॉर्म में ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रिवॉल्व करते हैं,
और हर एक ऑर्बिट, इसको उन्होंने एनर्जी लेवल या ऑर्बिट कहा था, ये जो घूम रहा है उसको, और इस एनर्जी लेवल और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही एकोमोडेट हो सकते हैं, ये कहा बोर ने। तो अब देखिए रदरफोर्ड से बोर में क्या चेंज हुआ, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऑर्बिट्स में, ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ यहाँ पर, लेकिन इनके भी कुछ कमियाँ थी। अब इसको अगर हम आगे बढ़ें तो आगे बढ़ने पर हमें आया मॉडर्न कॉन्सेप्ट, दैट इज़ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। इसने तो कुछ और ही अलग बात कह दी, इन्होंने कहा कि सेंटर में न्यूक्लियस तो होता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व करता है, लेकिन ये 2D पाथ में रिवॉल्व नहीं करता, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व नहीं करता, इट रिवॉल्व्स इन अ 3D पाथ, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों में घूमता है, और उसकी पोजीशन हम फिक्स नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिफाइंड एट अ स्पेसिफिक स्पेस, बल्कि वो एक एरिया होता है जिसके चारों तरफ उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है, और यहाँ से डेवलप हुआ था कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। तो आप देखिए कहाँ से कैसे हम आगे बढ़े, पहले उन्होंने कहा कि सॉलिड एटम है, ठीक है, सॉलिड एटम होने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं सॉलिड एटम तो होता है बट उसमें दो पार्टिकल होते हैं, थॉमसन ने कहा, रदरफोर्ड ने ऐड कर दिया कि नहीं उसमें सॉलिड नहीं होता है, बीच में खाली जगह होती है, कुछ स्पेसेस होते हैं, और यहाँ पर न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ में घूमता है। तो इस तरह से धीरे धीरे पूरा हमारा जो आज जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ एटम है वो हमारे पास, जो लास्ट वाला आपको दिख रहा है ऐसा दिखता है हमारा एटम, ऐसा होता है, दिखता नहीं, ऐसा अज्यूम किया है एक्सपेरिमेंटली, हमने ऐसा प्रूव किया है कि एटम ऐसा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो चलिए अब हमारे पास जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है इसमें बहुत कुछ है नहीं पढ़ने को, अब हम बढ़ते हैं कहाँ पे, थॉमसन एटॉमिक मॉडल पे, और हम सबसे पहले एक एक करके इनको पढ़ेंगे, इनकी डिटेलिंग समझेंगे कि थॉमसन ने क्या बताया था, रदरफोर्ड ने क्या बताया था, बोर ने क्या बताया था, और फिर मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो आज हम पढ़ते हैं सबसे पहले कि पार्टिकल जो एटम है उसमें फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से। आप देखिए यहाँ पर एटम, जो एटम का एक फॉर्म रिप्रेजेंट किया गया है, एटम का जो सेंटर पार्ट है उस सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस में आपको दो पार्टिकल्स दिख रहे हैं, रेड पार्टिकल एंड वाइट पार्टिकल। रेड एंड वाइट पार्टिकल आर द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होंगे, और उसके चारों तरफ आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा। तो ब्लू वाला पार्टिकल कौन सा है बच्चों बताओ, ब्लू वन इज द इलेक्ट्रॉन, ऐसा कलर होता नहीं है, डिपिक्शन है, हमने ऐसा मान लिया है, आपको विजुअलाइज करने के लिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है। न्यूक्लियस जो है हमारे पास, उसमें जो रेड कलर का दिख रहा है वो प्रोटॉन, और वाइट कलर का वो न्यूट्रॉन, या आप दोनों में से कोई सा भी किसी को मान लें, उसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि रेड ही न्यूट्रॉन है या वाइट वाला जो है वो प्रोटॉन है, ओके। तो ये हमारे पास फंडामेंटल चीज़ें हैं, और ये ध्यान रखिए कि इन तीनों को डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट हैं, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने, एंड द गोल्ड स्टैंड डिस्कवर्ड द प्रोटॉन, उन्होंने बाद में प्रोटॉन को डिस्कवर किया, और उसके बाद लास्ट में हमारे पास आते हैं चैडविक, जिन्होंने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था, और इन्होंने तीन जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने ये पार्टिकल्स को डिस्कवर करके एटॉमिक जो लेवल पे केमिस्ट्री है और फिजिक्स है उसमें बहुत ही रिवॉल्यूशनरी चेंजेस लाए हैं। चलिए अब हम सबसे पहले इस पर चलते हैं, थॉमसन एटॉमिक मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल में उन्होंने क्या बताया कि प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल क्या होता है, हमारे पास एक केक की तरह पुडिंग है और उसके अंदर प्लम्स डले हुए हैं, पीसेस डले हुए हैं, प्लम इंडिकेट्स द नेगेटिव चार्ज एंड द रेड पार्ट इंडिकेट्स द पॉजिटिव चार्ज। अगर हम उसको 2D पेज पर रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम ऐसे बना सकते हैं कि हमारा जो येलो वाला पार्ट पूरा दिख रहा है, द कंप्लीट येलो पार्ट इज़ द पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, ये 2D नहीं है लेकिन पेपर पे हम 2D में ऐसा बनाते हैं, ये पॉजिटिव पार्ट, और इसके जो बीच बीच में रेड पार्ट दिख रहे हैं दे आर द इलेक्ट्रॉन्स। और थॉमसन ने जो पोस्टुलेट्स दिए थे उसके दो पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे क्या है वो समझना जरूरी है। ही प्रपोज दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, पॉजिटिव चार्ज, ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास यहाँ जो येलो पार्ट है वो पूरा पॉजिटिव पार्ट और जो रेड वाला पार्ट है वो क्या हमारा नेगेटिव पार्ट है, तो नेगेटिव पार्ट इज कम्प्लीटली एम्बेडेड, उसके अंदर धंसा हुआ होता है, उसके अंदर फंसा हुआ होता है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, और थॉमसन ने ये भी कहा कि जितने पॉजिटिव होते हैं उतने ही नेगेटिव होते हैं, सो दैट एटम रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल।
लेकिन थॉमसन के इस मॉडल से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिनका आंसर नहीं मिल पाया, और इसलिए इनके मॉडल को, मॉडल की सबसे बड़ी जो अचीवमेंट यही थी कि इन्होंने बताया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट होते हैं। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। आपने देखा कि हमने थॉमसन के बाद कौन सा पढ़ा है, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल इज़ लाइक अ प्लेनेटरी मॉडल। वो ये कहते हैं कि बीच में न्यूक्लियस है, ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है ये न्यूक्लियस है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं। और आप देखिए कि यहाँ पर एक नीचे लाइन लिखी हुई, इलेक्ट्रॉन शुड फॉल ऑन द न्यूक्लियस। ये इनका ड्रॉबैक था। उन्होंने बताया तो ज़रूर कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, लेकिन कैसे ये नहीं बता पाया था वो, उनका एक्सप्लेनेशन नहीं था। ठीक है, वो अभी हम आगे समझते हैं। तो रदरफोर्ड के जो एटॉमिक मॉडल है उसको हम चार पार्ट्स में पढ़ेंगे। रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, उनके एक्सपेरिमेंट को हमने क्या नाम दिया था, रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। द सेकेंड वी विल सी द ऑब्जर्वेशन ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, कि उनके एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्वेशन निकला था। एंड थर्ड द रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, उस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया था कि एटम कैसा दिखना चाहिए, कैसा होना चाहिए। एंड देन फाइनली वी विल गो टू द ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड्स मॉडल। ध्यान रखिए ये क्लास रेगुलर क्लास नहीं है, इसमें हम आपको कनेक्टिविटी दे रहे हैं, विजुअलाइजेशन दे रहे हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन आपके जो मेन क्लास नोट्स दिखाए गए हैं वहाँ से आपको नीट की प्रिपरेशन करनी है। नाउ विल मूव ऑन टू द, हम सबसे पहले समझते हैं रदरफोर्ड का क्या एक्सपेरिमेंट था। देखिए यहाँ पर रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में, यहाँ से आप देखिए ये जो येलो पार्ट, ब्लू पार्ट हमारे पास रखा हुआ है, इस ब्लू पार्ट में से पार्टिकल्स निकल रहे हैं, दीज आर द अल्फ़ा पार्टिकल्स। ये अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से निकल रहे हैं, और जो अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से निकल के आ रहे हैं वो आप देखिए यहाँ पर एक फिल्टर लगा हुआ है, एंड दिस फिल्टर इज़ वॉट, ये फिल्टर अल्फ़ा स्ट्रेट गोइंग अल्फ़ा पार्टिकल को यहाँ पर गोल्ड फॉइल के पास लेके आ रहे हैं। अगर आपको याद हो सेटअप, तो सेटअप में हमने यही पढ़ा था। अब ये जो गोल्ड फॉइल है उसमें अल्फ़ा पार्टिकल्स अगर हिट करेगा, तो आप देखिए अल्फ़ा पार्टिकल जो हिट करके आ रहा है वहाँ से, उनको ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कि उसमें क्या हो रहा है। मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स आर गोइंग स्ट्रेट, वो बिना कुछ चेंज किए हुए आगे चले जा रहे हैं। एक बार फिर से एक्सपेरिमेंट रिपीट हो रहा है, देखिए यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल आया, अल्फ़ा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, वो गोल्ड फॉइल पर गए, जाने के बाद देखिए मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स आर गोइंग स्ट्रेट, ये यहाँ आके गिर रहे हैं, कुछ यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो पीछे रिबाउंड होके जा रहे हैं, वेरी वेरी फ्यू। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप और उनके ऑब्जर्वेशन को हमें ध्यान से समझना है। तो क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, अल्फ़ा पार्टिकल्स आर बम्बॉर्डेड ऑन द गोल्ड फॉइल, और गोल्ड फॉइल में जो अल्फ़ा पार्टिकल्स आ रहे हैं उनका मूवमेंट देखिए, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स आर मूविंग स्ट्रेट, सीधे निकल के आ रहे हैं यहाँ पर बिना डेविएशन के, ऐसे जैसे कि खाली जगह, उनको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा हो, नहीं पड़ रहा है। फिर इसके बाद आप देखिए कि कुछ जो पार्टिकल्स थे हमारे वो पीछे आ गए, और कुछ पार्टिकल जो है हमारे थोड़े से डिफ्लेक्ट हो गए। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो था रदरफोर्ड का, यहाँ जो उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट लगा रखी है, देखिए ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है फोटोग्राफिक प्लेट है, उसमें सिंटिलेशन प्रोड्यूस हो रहा है, अल्फ़ा पार्टिकल्स वहाँ पे जाके गिर रहे हैं, और वहाँ पे वो सिंटिलेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, चमक प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे हमें पता चल रहा है कि वो पार्टिकल्स कहाँ जा रहे हैं। अल्फ़ा पार्टिकल तो वैसे दिखाई देते नहीं हैं, लेकिन वो जब ये फोटोग्राफिक प्लेट पर हिट करते हैं तो वो हमें दिखाई देते हैं। तो आप देखिए उन्होंने एटम का मॉडल अज्यूम किया रदरफोर्ड ने, कि ये एक्सपेरिमेंट के जो ऑब्जर्वेशंस थे वो तभी सच होंगे जब एटम इस तरह से होगा। किस तरह से, जैसे यहाँ पर देखिए एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ खाली जगह है। तो ये उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। अब थोड़ा इनको हम समझते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या रहा है इनका, व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन, इनका ऑब्जर्वेशन क्या था। आपने अभी देखा, आप बताइए आपका, आपने क्या ऑब्जर्व किया कि एक्सपेरिमेंट में जो अल्फ़ा रेज जा रही हैं, यहाँ पर भी देखिए जो अल्फ़ा रेज जा रही हैं, जो सीधे यहाँ से अल्फ़ा रेज जा रही हैं, उनमें से 99.9% रेज सीधी जा रही हैं और वो सिंटिलेशन प्रोड्यूस कर रही हैं। सम ऑफ देखिए कुछ ऐसे रेज हैं जो यहाँ पर आके पीछे रिवर्ट बैक हो जा रही हैं। और हमारे पास अगर एटम के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें तो हमारा जो एटम का स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। तो आइए पहले ऑब्जर्वेशन को समझते हैं कि व्हाट वेयर द ऑब्जर्वेशंस। पहला ऑब्जर्वेशन अगर आप देखें तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वाज दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल से सीधे निकल गए बिना डेविएशन के। द सेकेंड पॉइंट इज
सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर स्लाइटली डिफ्लेक्टेड बाई स्मॉल एंगल, कुछ हैं थोड़े एंगल से मुड़ गए, क्यों मुड़े अभी हम समझेंगे। थर्ड हमारे पास आता है, अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल अपीयर टू रिबाउंड, उनमें से कुछ ऐसे थे जो 180 डिग्री पे 170 डिग्री पे रिबाउंड हो गए। तो ये तीनों ऑब्जर्वेशन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिए तीनों ऑब्जर्वेशन। मोस्ट ऑफ द रेज मूव विदाउट डेविएशन, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाई अ स्मॉल एंगल, एंड मोस्ट वेरी वेरी फ्यू, जिसको हम लगभग 10,000 वन आउट ऑफ 10,000 कहते हैं, वो रिबाउंड होके आते हैं। तो इस ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन निकला वो हमें समझना है। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल का कंक्लूजन क्या निकलता है यहाँ से, देखिए आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो अल्फा रेज निकल रही हैं, सीधे जा रही हैं 99.9%, कुछ रेज जो हैं वो वापस आ रही हैं। अब देखिए यहाँ से कौन सी रेज वापस आएंगी हम समझते हैं। अब देखिए यहाँ से अगर हमारे पास कुछ पार्टिकल्स हैं, जो अगर आप मुझे देख पा रहे हो, अगर मान लीजिए कोई रे यहाँ से जा रही है तो इट विल पास अवे, सीधे डिफ्लेक्ट होगा हल्का सा यहाँ न्यूक्लियस के पास जाने के बाद, क्योंकि यहाँ जो अल्फ़ा पार्टिकल आ रहा है उस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज होने के कारण यहाँ न्यूक्लियस पर भी कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को डिफ्लेक्ट करेंगे अगर पास पास आएंगे तो। अगर मान लीजिए यहाँ से जाते हैं तो दे विल मूव विदाउट डेविएशन, सीधे निकल जाएंगे। लेकिन अगर कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर आता है तो जाने के बाद ये रिबाउंड हो जाएगा। सो द फ्रिक्वेंसी ऑफ रिबाउंड ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज़ वेरी वेरी लेस, दैट इज 10,000 में से एक। ओके तो अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या क्या इनके रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के कंक्लूजन्स निकले थे। उन्होंने पहला कंक्लूजन दिया था, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, खाली है तभी तो अल्फा पार्टिकल सीधे निकल के जा रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं कि एन एटम इज कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, कैसे पता चला पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, मैंने आपको बताया यहाँ पर देखिए अल्फा इज पॉजिटिव, ये जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है ये भी पॉजिटिव है, और ये जाके यहाँ से डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये तभी हो सकता है दूर से ही डिफ्लेक्ट हो जाए यहाँ से जाते समय, ये तभी हो सकता है जब दोनों में चार्जेस सेम हो, इसका मतलब न्यूक्लियस में भी कौन सा चार्ज होगा, सेंटर में जो वहाँ पर है देयर इज़ अ पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि मेजॉरिटी ऑफ द मास ऑफ एन एटम वॉज कॉन्सेंट्रेटेड एट अ वेरी स्मॉल रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस, सारा एटम का सारा मास जो है वो कहाँ पर है, सेंटर पे है, और उसको उन्होंने नाम दिया था न्यूक्लियस। और यहाँ जो सेंटर पे मास है कैसे पता चला कि सारा मास वहीं है, अब देखिए हमने देखा था कि वन आउट ऑफ 10,000 पार्टिकल रिबाउंड, कोई चीज़ टकरा के रिबाउंड कब आएगी, जब वो डेंस होगा, अगर खाली होगा तो आर पार निकल जाएगा, थोड़ी जगह होगी या रिफ्लेक्ट थोड़ा उसमें पावर होगा तो वो डिफ्लेक्ट होकर निकलेगा, लेकिन अगर टकरा के सीधे वापस आ रही हैं जैसे यहाँ पे आ रही हैं तो ये तभी पॉसिबल होगा जब वो बहुत ही डेंस होगा। नाउ द लास्ट पॉइंट इज द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ, अभी हम देखते हैं आगे उनका जो मॉडल है, उन्होंने कहा कि एटम कुछ ऐसा दिखता है, देखिए इस तरह से यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस है, जिन्होंने कहा कि न्यूक्लियस इज़ द मोस्ट डेंस पार्ट ऑफ द एटम, सारा का सारा मास यहीं पे होता है, इसके चारों तरफ खाली जगह होती है और इस खाली जगह में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है जिसका मास नेग्लिजिबल होता है। सो दिस इज़ हाउ द एटम शुड लुक, बट अब इसका ड्रॉबैक देखिए, मैक्सवेल एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, जैसे यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है बिकॉज इट इज़ चेंजिंग द डायरेक्शन साइन वेरी रेगुलरली वेरी फ्रिक्वेंटली, तो जब ये एक्सेलरेट हो रहा है तो उसकी एनर्जी लूज होगी, और जब एनर्जी लूज होगी तो आप देखिए हमारे पास जो पार्टिकल है वो पार्टिकल अगर इनिशियली मान लीजिए वो यहाँ पर है और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, उसकी एनर्जी कम होती है, एनर्जी कम होगी जब ये आगे बढ़ेगा तो इसकी एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी मीन्स इट विल लूज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो जब एनर्जी लूज करेगा तो ये और पास आ जाएगा, और फिर धीरे धीरे आप देखिए इसका पाथ जो दिख रहा है ये धीरे धीरे इतना पास आ जाएगा कि न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाएगा। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड्स मॉडल एटम शुड बी अनस्टेबल, लेकिन ऐसा नहीं होता, एटम इज़ नॉट अनस्टेबल, एटम इज़ कम्प्लीटली स्टेबल। सो वी कैन से दैट रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। नेक्स्ट वन इज द बोस मॉडल ऑफ एन एटम, और बोस मॉडल ऑफ एन एटम अगर हम देखें तो बोस मॉडल ऑफ एटम को अब हम अगले सेशन में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।